Hello everyone, I am Muskan Khandelwal and today we are going to discuss about the GLIM Gurgaon, which is Great Lake Institute of Management, जो कि हम गुड़गांव वाले कैंपस की बात करने वाले हैं. कॉलेज के बारे में कैंपस एडमिशन प्रोसेस प्लेसमेंट कट ऑफ एंड प्रोसेस इन ऑल वी विल डिस्कस हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो ये कैंपस बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ये एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में. अगर ये यहाँ पे गुरुग्राम के पास है, इसका एड्रेस आपको यहाँ मेंशन मैंने स्क्रीन पे कर दिया है. ये कैंपस जो है 7 acre कैंपस है जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है. क्लासरूम्स ऑडिटोरियम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं. स्पोर्ट्स रूम्स और यू नो लाइब्रेरी मेस जिम हॉस्टल्स ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे आपको मिलती है. लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9/10 रैंकिंग दी जाती है लाइब्रेरी को एंड इवन हॉस्टल को भी यहाँ 9/10 रैंकिंग दी जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है. AC रूम्स हैं यहाँ पे, ट्विन शेयरिंग रूम भी है और यहाँ पे सिंगल अकोमोडेटेड रूम भी आपको यहाँ मिल जाते हैं. सो ओवरऑल कैंपस इज एक्चुअली गुड. क्लब्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ क्लब्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, विच इज मार्केटिंग क्लब, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस क्लब, एडिटोरियल टीम ग्रेविटी एंड फंड रेजिंग स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप क्लब्स एंडोमेंट क्लब्स एंड फिल्म अप्रिसिएशन क्लब्स. सो क्लब्स, सो बेसिकली ये कुछ क्लब्स हैं यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूट के अंदर बनाए हुए हैं. एंड देन यहाँ कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको बता देती हूँ कुछ यहाँ पे जो ऑफर करता है ये इंस्टीट्यूट. फर्स्ट इज PGPM विच इज अ 1 year प्रोग्राम. Then PGDM, which is Post Graduate Diploma in Management, which is a 2 year program. और यहाँ पे जो इनकी जो specialization है वो किस किस field में है, that is marketing, finance, operations, analytics and AI, which is artificial intelligence, जो कि आज के time पे काफ़ी ज़्यादा you know demanding course है. And यहाँ पर HR नहीं होता है, which is actually an important thing. तो यहाँ पे यही courses हैं जो ये institute offer करता है. देन इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ्स, तो यहाँ पे जो कट ऑफ्स गई है यू नो ये लास्ट 2019 और 2020 और 2021 के कट ऑफ्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. अगर आप 1 year PGPM की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कैट की गई थी वो 80 अराउंड थी एंड जैट में भी 80 अराउंड है 2020 और 2021 में. GMAT में यहाँ पे जो मार्क्स आपको चाहिए होते हैं मिनिमम कट ऑफ जो यहाँ पे गई है विद 600 एंड CMAT 2020 फॉर PGPM एंड CMAT 2021 फॉर बोथ PGDPM एज एक्चुअली 85. 2 years प्रोग्राम जो कि PGDM 2 years प्रोग्राम होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे कट ऑफ सेम है 80 एनुअल. एक्चुअली ये दोनों ही सेम है, 1 year की बात करूँ या 2 year की बात करूँ. एंड देन वी हैव टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे 150 to 180 स्टूडेंट्स हैं जो PGDM के अंदर यहाँ पे होते हैं. एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कुछ अलग अलग एग्जाम के थ्रू होता है, दैट इज कैट, CMAT, ZAT और GMAT. यहाँ पे कुछ ये 4 तरीके के एग्जाम मोड्स होते हैं. एंड देन फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने यू नो मेंशन कर रखा है. लगभग यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ आपकी ट्यूशन एंड अकेडमिक फीस जो कि अराउंड इंडियन स्टूडेंट के लिए विच इज 6,35,000 और प्रोग्राम फीस जो है विच इज 3,93,000. तो सब टोटल अगर मैं करूँ तो इट्स अराउंड 10,28,000. कुछ और भी चार्जेस जैसे हाउसिंग चार्जेस, फूड चार्जेस एंड ऑल यू नो कुछ भी अलग अलग चार्जेस जो आपके यूजुअली आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो तो बाकी चार्जेस मिला के लगभग आपका टोटल जो यू नो बन जाता है फीस स्ट्रक्चर इज 15,75,000. तो मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो इट 16 lakh विच इज योर फीस फॉर दिस प्रोग्राम. कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पे बहुत यू नो हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है. दैट इज फीस आर सब्जेक्ट टू रिविजन बिफोर एडमिशन ओपन, ठीक है. The course is approved by AICTE and students are compulsory required to have their own laptop as per institution specification. तो यहाँ पे आपको कोई लैपटॉप नहीं मिलने वाले कोई इंस्टीट्यूशन से. You must be having your own laptop. And hostel facility is mandatory for both the academic years. यहाँ पे आपको hostel लेना is compulsory. And then non-vegetarian food is optional and will be charged extra. So ये कुछ key points हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए. एंड देन मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे PGDM बैच विच इज 2018-2020 प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे कैसे गई है. तो यहाँ पे हाईएस्ट डोमेस्टिक CTC जो ऑफर किया गया था वो है 13.6 lakh पर एनम बाय अ लीडिंग मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म एंड हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC जो गया था वो 17 lakh गया था बाय अ कॉन्ग्लोमरेट. एंड देन एवरेज CTC जो गया था 2020 में लोगों विच वॉज 9.15 lakh. एंड विप्रो जो है यहाँ पे एक लार्जेस्ट रिक्रूटर है जिसके 9 एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स आते हैं फॉर PGDM कोर्स. तो ये यहाँ विप्रो यहाँ पे एक मेन एक रिक्रूटर है जो बहुत बड़ा रिक्रूटर है यहाँ पे विच इज विप्रो.
एंड देन यू कैन सी दिस ग्राफ हियर व्हिच इट्स लाइक प्लेसमेंट कितनी गई है. टॉप 10% का जो एवरेज सैलरी ब्रैकेट गया है व्हिच इज 12.5 लाख एंड या टॉप 25% का इट्स 11.3 एंड देन टॉप 50% के अंदर अगर आप आते हो इट्स 10.3 एंड अगर आप टॉप 75% के अंदर भी आते हैं तो यू आर यू विल गेट 9.6 लाख एवरेज सैलरी ब्रैकेट. ठीक है, कुछ सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सैलरी रेंज में मैंने मेंशन कर रखा है अगर आप यू नो सैलरी लेस देन 7 लाख है तो वो लेस देन 10% लोगों के पास जाती है एंड अगर मोर देन 11 लाख सैलरी जो है वो कि कितने लोगों की है यू कैन सी लेस देन 10% इवन लेस देन 10% और 7 to 9 लाख जो सैलरी जाती है वो टॉप 50 मतलब 50% लोगों की सैलरी 7 to 9 लाख के बीच में जाती है. तो वही आपको कंसिडर करना चाहिए कि 7 to 9 लाख सैलरी जो है 47-48% लोगों के पास जाती है. तो यू कैन सी कि एवरेज जो पैकेज जाता है वो 7 to 9 लाख के बीच में जाता है जो कि आई प्रेफर कि अगर मैं देखूँ आपका फी स्ट्रक्चर तो एक्चुअली ह्यूज उसके कंपैरेटिवली ये सैलरी काफ़ी कम है बट इट्स योर पॉइंट. तो मैं यही बोलूँगी साथ में कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं 90-85+ अगर आपके जाते हैं तो प्लीज़ डोंट प्रेफर दिस कॉलेज, उससे अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे क्योंकि इसका इतना अच्छा पैकेज नहीं जाता है. मतलब इतने अगर आप टॉपर हो तो यू शुड नॉट यू नो कंसिडर दिस कॉलेज एज द बेस्ट ऑप्शन. एंड द रिक्रूटर्स, यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ. आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस बैंक, डेलॉयट एंड यू नो दिस ICICI बैंक, KPMG, ये कुछ रिक्रूटर्स हैं. यहाँ पर ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं 2019-21 बैच में. यहाँ पे टोटल 143 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था इस वाले बैच में. 143 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया. 95 लोगों को ऑफर मिल गया था फ्रॉम 50+ कॉर्पोरेट्स एंड 48 आर अगेन परसुइंग प्रोजेक्ट्स. यू नो उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट किस किस फील्ड से रिलेटेड है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग डोमेन्स. ठीक है, ज्यादातर प्रोफाइल्स यहाँ पे जो ऑफर की जाती है वो सेल्स और मार्केटिंग के अंडर जाती है विच इज 54% एंड देन फाइनेंस में 23% है इनका ज्यादा प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है एंड देन एनालिटिक्स में 13% एंड स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस में ये 10%. साथ में इंटरनेट बिजनेस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफर आता है यहाँ पे विच इज 24% से मतलब 24% ऑफर आते हैं और BFSI के 18% एंड कंसल्टिंग के 14% एंड FMCG के 14% एंड या मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग 11% एंड IT के 9%. सो यू कैन सी द डेटा हियर विच इज मेंशन. और रही बात ये जो इस इंटर्नशिप से जो मेन बात आती है यू नो पैकेज कितना गया, यहाँ पे हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो सिर्फ 1,20,000 था इस इंटर्नशिप के थ्रू विच इज एक्चुअली अ वेरी लेस अमाउंट आई वुड से. So it's all up to you. If you are very well, you know, if you are have a good scorer, then don't prefer this college. Rahi baat agar aapke 80 and all aate hai, to you don't have any other option. So you must consider this. So thank you for watching this and do like the channel and subscribe it for more further videos like this. So thank you.